नमस्ते दोस्तों, क्या आप अपने लिए सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर अब्रॉड एजुकेशन लोन की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो आज मैं आपको एक ऐसे एजुकेशन लोन के बारे में बताऊंगी जिसके फायदे तो ढेर सारे हैं, मगर आप सबसे कम इंटरेस्ट रेट में कोलैटरल या बिना कोलैटरल के लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी HDFC क्रेडिला एजुकेशन लोन स्कीम के बारे में। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा फ्रॉम ज्ञानधन और आज हम बात करने वाले हैं HDFC क्रेडिला एजुकेशन लोन के बारे में। तो क्या है ये HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विस, ये ज्ञानधन का पार्टनर कैसे है, इसके फायदे क्या हैं, आपका लोन कैसे प्रोसेस होगा और ये कैसे डिसबर्स होगा, कितनी जल्दी होगा और बाकी सारी डिटेल्स आज हम शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्ञानधन ने HDFC क्रेडिला के साथ पार्टनर किया है और हमने ये पार्टनरशिप इन HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ इसलिए की है क्योंकि आज तक इन्होंने हजारों स्टूडेंट्स को अब्रॉड एजुकेशन लोन लेने में बहुत ही सहायता की है और बड़ी ही आसानी से। तो इंडिया का जो स्पेशलिस्ट एजुकेशन लोन लेंडर है वो है HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज। ऐसी क्या बात है जो ये बाकी फाइनेंशियल लेंडर्स से HDFC क्रेडिला को अलग करता है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि HDFC क्रेडिला की जो फाइनेंशियल सर्विसेज है ये ध्यान में रखता है स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स हैं, उनके कोर्स की प्रेफरेंस है, वो कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, कौन से देश में लेना चाहते हैं और हर स्टूडेंट की जरूरत क्या है। इनके पास अपने लिस्ट में कम हजारों यूनिवर्सिटीज हैं 35 अलग अलग देशों में, तो आप इनका फायदा जरूर ले सकते हैं। और मैं आपको इस समय वीडियो शुरू करने से पहले ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी हम एजुकेशन लोन के बारे में कोई भी वीडियो बनाए आपको उसकी पूरी जानकारी मिले। और अगर आपके किसी भी दोस्त को एजुकेशन लोन की अब्रॉड जाने के लिए जरूरत है तो ये लोन एजुकेशन लोन का जो वीडियो है उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और जी हाँ, लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, HDFC क्रेडिला के बारे में शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डिटेल में बताने से पहले मैं इस बारे में चर्चा करना चाहूंगी कि ये जो HDFC क्रेडिला की फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इनके जो की फीचर्स हैं और जो सबसे बड़े फायदे हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले आता है लोन अमाउंट। तो आपका लोन अमाउंट कम से कम यहाँ 1 लाख का भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 40 लाख का हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं बिना कोलैटरल के। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और अगर कोई एक्सेप्शनल केस है, डिपेंडिंग आपके कोर्स ड्यूरेशन या कितने समय का है, उस हिसाब से कुछ एक्सेप्शनल केसेस में HDFC क्रेडिला 1 करोड़ तक का भी लोन अप्लाई करने की सुविधा आपको देती है। फिर आते हैं हम जो इनके इंटरेस्ट रेट पे है, तो HDFC क्रेडिला हमको 11 से लेके 12.5% तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है और इनकी जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो लोन अमाउंट के हिसाब से 1 से लेके 1.25% होती है। फिर आते हैं हम इनके मार्जिन मनी के बारे में। मार्जिन मनी तो बिल्कुल ही निल होता है और ये आपके फाइनेंसेस जो है 100% कवर करता है। इसका मतलब है आपका रहना, खाना पीना, आपके आने जाने का खर्चा वगैरह वगैरह 100% तक ये आपको कवरेज देता है। और आपकी जो लोन टेन्योर होती है, जो ड्यूरेशन होती है, वो अप टू 10 ईयर्स ये आपको ऑफर करता है। तो बहुत सारे लोग हमको ये भी पूछते हैं कि प्री पेमेंट चार्जेस तो HDFC क्रेडिला जरूर लेता होगा। तो प्री पेमेंट चार्जेस वो होते हैं कि अगर आपके मन में आ जाए कि आपको लोन खत्म होने से पहले बहुत पहले ही पेमेंट करनी है तो उसके लिए क्या HDFC क्रेडिला आपको कुछ चार्ज करेगा? तो इसका जवाब है जी नहीं, ये कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस लेवी आपके ऊपर नहीं करता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है, जो रीपेमेंट हॉलीडे इंटरेस्ट होता है, जो मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान होता है, आपकी जो EMI होती है वो सिर्फ तब शुरू होती है जब आपका कोर्स प्लस 6 महीने खत्म हो जाते हैं। तो है ना ये फायदे की बात। अब बात करेंगे जो आपका प्रोसेसिंग टाइम होता है,
तो यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि HDFC क्रेडिला जो है आपका लोन 3 से 4 वर्किंग डेज में प्रोसेस कर देता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होने के बाद। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है बिकॉज बाकी सारे लेंडर्स जो होते हैं वो आपको 12 से 15 दिन का वर्किंग डे का टाइम देते हैं और अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं हो तो उसके आगे भी चले जाते हैं। फिर आता है आपका जो पेमेंट होता है स्टडी ड्यूरेशन के टाइम, उस पे आपको कितना इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो भी पेमेंट आपकी स्टडी ड्यूरेशन के टाइम होती है आपको उस पे केवल सिंपल इंटरेस्ट ही देना पड़ता है। और कुछ प्रोफाइल जो बहुत ही अच्छी होती हैं वो पार्शियल इंटरेस्ट रीपेमेंट के लिए भी अप्रूव हो सकती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे देश, कम से कम 35 देश जो है HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज कवर करता है। इसमें आपके आ जाते हैं USA, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड, दुबई, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एक्सेट्रा। तो इनके लोन बेनिफिट्स और क्या क्या हैं इसके बारे में मैं आपके चर्चा करूंगी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ये कोई भी मार्जिन मनी चार्ज नहीं करते हैं और आपके सारे एक्सपेंसेस को 100% कवर करते हैं। तो HDFC क्रेडिला जो है क्योंकि इनके पास जीरो मार्जिन मनी होता है, आपको कोई भी पार्ट अपने फाइनेंस का देना नहीं है। जैसे आपके सारे एक्सपेंसेस अब्रॉड जो आपका रहना खाना पीना अकोमोडेशन बोल लो, आपके ट्यूशन एक्सपेंसेस बोल दो, यू नो कॉशन डिपॉजिट होता है या आपका बिल्डिंग फंड होता है या फिर रिफंडेबल डिपॉजिट होता है, ये सब HDFC क्रेडिला जो है कवर करता है। उसके बाद इनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट या जिसकी वजह से हजारों लोग HDFC क्रेडिला का फायदा लेते हैं, इनका वो ऑप्शन है कस्टमाइज्ड ऑप्शंस और मेलिएबल रीपेमेंट प्रोविजंस। जी हाँ, अब ये क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। तो इनका जो की फीचर, जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट HDFC क्रेडिला का है कि ये स्टूडेंट्स की जो कंट्री है उसको भी ध्यान में रखता है, जो कोर्स ये लेना चाहते हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखता है और उस हिसाब से और स्टूडेंट के हिसाब से आपको एक कस्टमाइज्ड लोन जो है ऑफर करता है फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शंस के साथ, ताकि आप अपनी EMI अपने कन्वीनियंस और कंफर्ट और अपने हिसाब से पेमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई भी बात समझ नहीं आ रही है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और ज्ञानधन के लोन ऑफिसर के लिए कॉल बैक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज पूछिए, मैं पक्का आपके सारे जवाब जरूर दूंगी। फिर आते हैं हम HDFC क्रेडिला का जो अप्रूवल प्रोसेस है। अगर कोई केस अर्जेंट है तो HDFC क्रेडिला हमारे लिए क्या करता है। तो HDFC क्रेडिला के पास दोस्तों एक एक्सप्रेस अप्रूवल फैसिलिटी है जो बहुत ही फटाफट आपका लोन सैंक्शन कर देती है, बिल्कुल 1 से 2 मतलब 1 या 2 वर्किंग डेज में। और अगर आपके अर्जेंट सर्कमस्टेंसेस हैं, तो अगर आपको कोई डेडलाइन है या आपको एक टाइम से पहले अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, आपकी वीजा की या आपकी फी पेमेंट की जल्द से जल्द, तो आप ज्ञानधन से बात कर सकते हैं। हमारे लोन ऑफिसर्स HDFC क्रेडिला के साथ बात करके आपका फटाफट जो है लोन को 1 या 2 वर्किंग डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि HDFC क्रेडिला हमारी सहायता कैसे करती है डिसबर्समेंट के टाइम। तो अगर आप HDFC क्रेडिला एजुकेशन लोन फॉर स्टडी अब्रॉड लेते हैं और खासकर अगर आप ज्ञानधन से लेते हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको एंड तक आपका लोन डिसबर्स होने तक हम देखेंगे कि बहुत ही ध्यान से आपका सारा प्रोसेस सीमलेसली हो जाए और आपका लोन जिस डिसबर्समेंट भी है बिल्कुल टाइम पे हो। अब बात करते हैं जो प्री वीजा लोन डिसबर्समेंट होती है, मैं आपको फटाफट उसके बारे में भी बताऊंगी। तो जो कंट्रीज होती हैं उनका लोन डिसबर्समेंट कभी कभी वीजा से पहले भी होना होता है। तो इस कंडीशन में ज्ञानधन पूरा ध्यान देता है कि जो कस्टमर है उनको अपना पैसा टाइम पे मिले, ताकि उनको अपना वीजा या फाइनेंसेस पे ध्यान ना देने के अलावा वो अपने एडमिशन लेटर पे या एडमिशन इंटरव्यूज पे फोकस कर सके। फिर आता है बहुत ही फायदे का जो फीचर है, जो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस को ज्यादा फॉलो नहीं करता है, वो है HDFC क्रेडिला का फ्लेक्सिबल ऑप्शन फॉर द को बोरोअर। जी हाँ, ये ऑप्शन आप जरा ध्यान से सुने दोस्तों,
कि उनके लिए HDFC क्रेडिला एजुकेशन लोन जो मैंने आपको पहले भी बताया ये कस्टमाइज हो सकता है, तो बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शंस ये फॉलो करता है। तो मान लीजिए कि आपके फादर या आपके रिश्तेदार अब्रॉड में हैं, तो उनका NRI अकाउंट होना बहुत जरूरी है को बोरोअर बनने के लिए, मगर उनकी जो कोलैटरल या सिक्योरिटी है उसका इंडिया में होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है बाकी लेंडर्स के जैसे, ये को बोरोअर को लेके इनकी रिस्ट्रिक्शंस काफी फ्लेक्सिबल है, मगर हर दोनों ही सूरतों में आपको एडिशनल को बोरोअर जरूर लगेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। फिर आता होगा कि जैसे गवर्नमेंट बैंक्स टैक्स बेनिफिट देते हैं, क्या HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज हमको टैक्स बेनिफिट देगा? तो इसका जवाब है जी हाँ। सेक्शन 80E जो इनकम टैक्स एक्ट है, इसके तहत आपको एजुकेशन लोन लेने पे टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80E की तरफ से जरूर मिलेगा HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज पे। फिर आता है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आता है आपका प्री एडमिशन लोन सैंक्शन। तो सबसे अच्छी बात, जो आप क्रेडिला में एजुकेशन लोन अप्लाई करते हैं तो आपके सैंक्शन आपसे पहले पहुंच जाते हैं। हम ध्यान देते हैं कि HDFC क्रेडिला आपका पूरा जो सैंक्शन है, आपकी एडमिशन लेटर आने से पहले आपका लोन सैंक्शन हो जाए, डिसबर्समेंट हो जाए, तो क्रेडिला आपका GRE स्कोर जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ अप्रूव कर देता है। और खासकर दोस्तों, अगर आप लोन ज्ञान धन की तरफ से ले रहे हैं तो आप बिल्कुल अश्योर हो सकते हैं कि आपके सारे फाइनेंशियल प्रोसेस ज्ञान धन और ज्ञान धन की पूरी टीम अच्छे से देखभाल करेगी, और आपको डायरेक्टली सिर्फ अपने कॉलेज पे ध्यान देना है, अपनी एप्लीकेशन पे ध्यान देना है और प्रिपेयर करना है अपने एडमिशन इंटरव्यूज के लिए। तो दोस्तों, इस समय मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर दिया है, जो बहुत ही फ्रेंडली इंटरफेस है। आप जाके इस पे अपना लोन अमाउंट, अपना इंटरेस्ट रेट, अपनी कोर्स ड्यूरेशन वगैरह वगैरह डाल के अपना EMI खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप HDFC क्रेडिला एजुकेशन लोन ज्ञान धन की तरफ से लेते हैं तो आपको इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा है कि आपके अप्रूवल की चांसेस हायर हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान धन जो है लोन ऑफिसर्स HDFC क्रेडिला से बात करके अगर आपके कोई भी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हैं वो HDFC क्रेडिला से बात करके उसको रिजॉल्व कर देते हैं, और आपका जो लोन सैंक्शन का अप्रूवल चांस होता है वो ज्यादा हो जाता है। दूसरा फायदा है कि देयर इज नो कॉस्ट टू यू, हमारी सारी ही एजुकेशन लोन असिस्टेंस सेवाएं बिल्कुल ही फ्री है, हम इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करते। तीसरा और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने घर के बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, कोई भी HDFC क्रेडिला की ब्रांच विजिट की भी जरूरत नहीं है। ज्ञानधन बिल्कुल ध्यान देगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप सब कुछ आपके घर के दरवाजे से वो पिकअप कर लेते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है लो टर्न अराउंड टाइम, क्योंकि हमारी सब कुछ इतना प्रोसेस फास्ट है, हमारा HDFC क्रेडिला के साथ पार्टनरशिप है, हम ध्यान देते हैं कि आपका जो पूरा प्रोसेस है डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिनों में हो जाए। तो अब अगला स्टेप बात करते हैं, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है HDFC क्रेडिला एजुकेशन लोन के लिए वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा आपका बोरोअर्स या जो को एप्लीकेंट्स हैं वो इंडियन सिटीजन्स होने बहुत जरूरी है, और को बोरोअर्स जो होते हैं उनका बहुत जरूरी है कि उनका बैंक अकाउंट इंडिया में हो, और को एप्लीकेंट्स का भी इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है। फिर आता है आपका डिसबर्समेंट, तो आपका जो डिसबर्समेंट ऑफ लोन होता है वो आपकी कंफर्म्ड एडमिशन के बाद ही होता है। फिर आते हैं हमारा को एप्लीकेंट के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उनको अपना पूरा प्रूफ देना पड़ेगा कि उनकी अर्निंग क्या है और वो इंडिया में उनकी अर्निंग क्या है। को एप्लीकेंट कोई भी हो सकता है, जैसे आपके माता, आपके पिता, आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर, अगर वो मैरिड है तो भी वो आपकी को एप्लीकेंट हो सकती है, आपके स्पाउस, आपके फादर या मदर इन लॉ हो सकते हैं, सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, आपके मैटर्नल या पटर्नल मतलब माँ की तरफ से या पिता की तरफ से कोई भी अंकल आंटी हो सकते हैं, आपके दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स या आपके फर्स्ट कजिन्स भी हो सकते हैं।
तो फिर आता है अगला सवाल जो आपके मन में कि HDFC Credila Education Loan के लिए हम कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। उसके बाद ऑनलाइन ही दोस्तों आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं। फिर आता है आपका प्रोसेसिंग या अप्रूवल, और उसके बाद आता है आपका लोन सैंक्शन या डिसबर्समेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये कोई भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस या रूल्स फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से इनका जो प्रोसेसिंग टाइम और डिसबर्समेंट टाइम है वो बहुत ही कम है। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तकलीफ आ रही है, आप डेफिनेटली ज्ञानधन के लोन काउंसलर्स के साथ टाई अप कर सकते हैं और एक कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा अगर आप हमारे ज्ञानधन से कोई भी कॉल बैक रिक्वेस्ट करेंगे, तो हमारा जो लोन ऑफिसर है आपसे संपर्क करेगा, आपके सारी जरूरतों का पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, आपको क्या क्या चाहिए आपका प्रोफाइल जो है उसको एनालाइज करेगा, उसके बाद आपको बताएगा कि आप HDFC Credila के लिए एलिजिबल है या नहीं है, आपको साफ साफ ये बता देगा। उसके बाद आपके साथ अगर आप एलिजिबल है तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ज्ञानधन का जो लोन ऑफिसर है आपकी सहायता करेगा उनको अपलोड करने में, और इस स्टेज पे हम इसके अंदर ज्ञानधन जो है इसमें इंटरफेयर करेगा आपके लिए, ताकि आपका जो भी प्रोसेस है HDFC से रिजॉल्व हो जाए और पूरा जो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन है वो हो। इससे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञानधन आपको कस्टमाइज चेकलिस्ट देगा और आपका पूरा लोन प्रोसेस होने में सहायता करेगा। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, आपकी एप्लीकेशन जो है लेंडर अप्रूव कर देता है और सैंक्शन लेटर रिलीज हो जाता है। तो अगर आप ये लोन ज्ञानधन के द्वारा लेते हैं जो HDFC Credila का पार्टनर है, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको कस्टमाइज डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिलती है, जो डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे, आपकी को एप्लीकेंट की प्रोफाइल पे, आपके प्रॉपर्टी या एसेट के ऊपर, और आप अगर कोलैटरल ऑफर कर रहे हैं या सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एप्लीकेंट के कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। तो एक स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट जो होती है उसमें आ जाता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार, फिर आ जाता है आपका एड्रेस प्रूफ, फिर आपका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड जो एप्लीकेंट का होता है वो बहुत ही जरूरी होता है, को एप्लीकेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि उनका आइडेंटिटी प्रूफ, उनका एड्रेस प्रूफ और उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड को भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये सब इवेल्युएट करने के बाद स्पेशली ज्ञानधन आपको बताएगा आपके कस्टमाइज डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो आपको HDFC Credila से लोन लेने में पूरी सहायता करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे जो HDFC Credila है इनका डिसबर्समेंट प्रोसेस कैसे होता है, ये जानना आपके लिए इस टाइम पे बहुत ही जरूरी है, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। तो एक बार आपका जो लोन सैंक्शन हो जाता है, एक अग्रीमेंट लेटर होता है, तो ये जो अग्रीमेंट लेटर होता है वो एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट को HDFC Credila डिसबर्स करता है, साइन करने के बाद ही HDFC Credila डिसबर्स करता है जो अमाउंट होता है इंडियन नेशनल रुपीज में। फिर आती है जो ट्यूशन फी होती है, तो ट्यूशन फी डिसबर्स होती है इंस्टीट्यूशन में, या तो डायरेक्टली हो जाती है वो भी HDFC Credila ऑप्शन देता है, और अगर ट्यूशन फी जो यूनिवर्सिटी है उसको चाहिए कोई ऑथराइज सर्विस से चाहिए, जैसे थर्ड पार्टी से चाहिए, तो भी HDFC Credila इसको कर देता है एप्लीकेंट के लिए। फिर आता है जो डिसबर्सल होता है इंस्टॉलमेंट के लिए या रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी के लिए, HDFC वो भी इंस्टॉलमेंट्स में स्टूडेंट को देता है, और जो लोन एक्सपेंसेस होते हैं ट्यूशन फीस के अलावा वो भी एक साल की इंस्टॉलमेंट्स HDFC Credila के जो अंडरराइटिंग नॉर्म्स होते हैं या जो भी उनके रूल्स होते हैं उस हिसाब से डिसबर्स करता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ज्ञानधन की पूरी टीम आपको HDFC Credila से एजुकेशन लोन लेने में पूरी तरह सहायता करती है, और हम ध्यान देते हैं कि कोई भी डिले नहीं हो आपके डिसबर्समेंट में। तो आप हमारी टीम से सहायता ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि हम चाहते हैं ज्ञानधन की जो डिजिटल टीम है वो ध्यान में रखती है, और वो चाहते हैं कि हम हमारी एजुकेशन अब्रॉड एजुकेशन लोन की जो स्कीम है जितनी ज्यादा हो सके एक्सपैंड करें। तो ये था दोस्तों HDFC Credila फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में हमारा वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपको लोन से रिलेटेड सारी ही डिटेल्स मिल गई होंगी।
प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो, मैं पक्का जवाब दूंगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।